नमस्कार दोस्तों, मैं वैद कुमार आज आप सभी का अपने इस नए एपिसोड में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो एक ऐसा जादुई नुस्खा है जिसकी मदद से आप अपने लीवर को हमेशा एकदम फिट रख सकते हैं। जी हाँ जी दोस्तों, अब जैसे आप जानते हैं कि गर्मी आ चुकी है और इस गर्मी में पानी की कमी होने के कारण लीवर पर बहुत असर पड़ता है। और अक्सर ये देखा गया है कि जैसा ये गर्मी आ रही है इसमें आप जरा सा चटपटा खाते हैं, और क्योंकि हमारे खान पान में काफ़ी कमी है, उस गलत खान पान के असर ये होता है कि सबसे ज़्यादा आपके लीवर पर ही असर होता है, जिस कारण आपका पेट भी खराब होता है और यूरिन से संबंधित समस्याएं भी अधिक होती हैं इन गर्मियों में। लेकिन बात वही है कि कितना स्वाद पर लगाम रख सकते हैं, कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ मन कर ही जाता है। और आपकी भी यही अगर हालत है तो ये जादुई नुस्खा आपके लीवर को एकदम फिट रखेगा। जी हाँ, तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अब तक हमारा YouTube चैनल वैद कुमार के घरेलू नुस्खे को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे नीचे जाके लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए जबरदस्त टिप्स जिनसे आप घर पर ही अपनी औषधि बनाकर अपनी बीमारी का इलाज कर सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो दोस्तों, बिना समय गवाए हम डायरेक्ट आते हैं नुस्खे की तरफ। दोस्तों, जो हमारा लीवर होता है उससे हमारा पाचन तंत्र एकदम जुड़ा होता है। अक्सर ये देखा गया है कि आजकल लोग ऑफिस या कॉलेज पहुंचने के चक्कर में घर से कुछ खाकर निकलते नहीं हैं, और वहाँ पर बर्गर, समोसे या अन्य चीज़ें इस प्रकार की खाते हैं जिनसे उनके शरीर पर काफ़ी दुष्प्रभाव दिखता है। लेकिन यह समय के बाद इसके दुष्प्रभाव अधिक और हो जाते हैं और आपका लीवर पर डायरेक्ट असर करते हैं। ये सारी समस्याएं आपके गर्मी में बहुत ज़्यादा अधिक हो जाती हैं और जिन कारणों की वजह से आपके लीवर में सूजन भी आ जाती है, और ये सब आपके लीवर के लिए काफ़ी हानिकारक साबित सिद्ध होता है। दोस्तों, इन सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए मैं आज आपके लिए एक ऐसा रामबाण नुस्खा लेके आया हूँ जिससे आप अपनी लीवर की हर समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। इसे बनाने के लिए, इस विधि को बनाने के लिए एक नींबू चाहिए हमें, और इस नींबू के हम साथ साथ हमें चाहिए काली मिर्च का चूरन और काला नमक और सोंठ का चूरन, ये सोंठ का चूरन है, और हमें चाहिए मिश्री का चूरन, ये मिश्री का चूरन है इसमें, ये मिश्री का चूरन। दोस्तों, ये चार चूरन और एक नींबू, बस। अब हम बात करते हैं विधि की, बनाना कैसे है। दोस्तों, सबसे पहले हमें एक ताज़ा नींबू लेना है और इसके दो टुकड़े कर लेने हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ इसके। जी हाँ दोस्तों, इसके दो टुकड़े कर लेने हैं, जैसे मैंने अभी दो टुकड़े किए हैं। इनमें से एक टुकड़ा लेना है और इस टुकड़े को आधा काटने के बाद आपको इस टुकड़े के चार भाग करने हैं। हाँ, चार भाग करने हैं, और भाग ऐसे करने हैं कि कोशिश करिएगा कि ये चारों भाग अलग ना हो। तो इसके लिए मैं चार भाग करता हूँ, इसे आराम से कीजिएगा क्योंकि इसमें आपकी उंगली पे कहीं कट ना जाए, थोड़ा आराम से कीजिएगा। एक, दो, और ये आखिरी तीन। देखिए यहाँ पे एक भाग, दो भाग, तीन भाग, चार भाग, तो चार उसके भाग करने हैं आपको। इसमें से एक भाग में आपको काली मिर्च का चूर्ण डालना है। मैं आपको दिखाता हूँ करना कैसे। ये मैंने लिया, इसको आपको चाकू की सहायता से आप इसमें काली मिर्च का चूर्ण भर सकते हैं एक भाग में। इसको अच्छे से लगाएं और ज़्यादा चूरन लें।
चूरन, एक भाग में आपको काली मिर्च का चूरन, दूसरे भाग में आपको काला नमक लगाना है। काला नमक आपको लेके अच्छे से चाकू की मदद से आपको इसके चारों भाग में लगाना है। ये चारों भाग में आपको चाकू की मदद से आपको लगाना है। इसके बाद बारी आती है सौंठ के चूरन की। तीसरे भाग में आपको सौंठ का चूरन लगाना है। ये देखिए, ऐसा सौंठ का चूरन लेना है आपको, और सौंठ का चूरन आपको तीसरे भाग में लगाना है। और आखिरी भाग में आपको लेना है मिश्री का चूरन। जी हाँ, आखिरी भाग में ये जो मिश्री का चूरन है, इसे आपको भर लेना है। आखिरी जो भाग है उसका मिश्री का चूरन। तो दोस्तों, चारों भाग को जब आप भर लें, इसके बाद आपको इसे बंद कर प्लेट में रख दें ढककर। यहाँ पे मैं जैसे आपको दिखा रहा हूँ, आपको चारों लगा के आपको ढक के रख देना है, और रात भर के लिए रख के छोड़ देना है इसको। उसके बाद सुबह उठना है, और सुबह भोजन से 1 घंटा पहले इस नींबू की फाक को, सारी भाग जितनी भी हैं आपकी, इसको धीमी आंच पर तवे पर गरम करके इसे पूरे को चूस लेना है। जी हाँ, इस चीज के सेवन से आप कम से कम 7 दिन तक और ज्यादा से ज्यादा 21 दिनों तक इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप महसूस करेंगे कि 7 दिन में ही आपका लीवर एकदम फिट और एकदम मजबूत हो जाएगा। लेकिन इसे 21 दिन तक करते हैं तो आपके आने वाली हर समस्या, सालों साल आपका लीवर एकदम फिट रहेगा। दोस्तों, इस नुस्खे से जुड़ी हुई कुछ सावधानी भी है जिन्हें आपको बरतना चाहिए, वो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस नुस्खे का प्रयोग करने के दौरान आपको मीठा बिल्कुल छोड़ देना है। कम से कम रोटी व खाना खाएं ताकि आपके लीवर पर असर ना पड़े। ज्यादा से ज्यादा फल और सब्जियां खाएं। जी हाँ, सब फल और सब्जियां ज्यादा से ज्यादा खाएं। टमाटर, पालक, गाजर, बथुआ, करेला, लौकी की सब्जी ज्यादा खाएं। मैं एक बार फिर से दोहराता हूँ। टमाटर, पालक, गाजर, बथुआ, करेला और लौकी, इनकी सब्जी ज्यादा खाएं। फल जैसे जामुन, पपीता, सेब, आंवला, आलू बुखारा, लीची आदि जरूर खाएं। और दही और छाछ का अधिक प्रयोग करें, और चटपटी और तली भुनी चीजों से बिल्कुल दूर रहें। बिल्कुल इन सब से बहुत दूर रहना है, क्योंकि ये सब चीजें आपके लीवर पर डायरेक्ट असर करती है। तो दोस्तों, ये नुस्खा बहुत ही असरदार है, और आप इसके मात्र 7 दिन के इस्तेमाल से आप अपने लीवर में बहुत कमाल का रिजल्ट देखेंगे, और आपका लीवर एकदम फिट हो जाएगा। दोस्तों, आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कीजिए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट के जरिए अपना फीडबैक हमें जरूर दें। हम कल मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।